प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जय वंदना में आपको मेरा जय मसीह की। मैं आशा करता हूं आप ठीक हैं। हम सब प्रभु को खुश करना चाहते हैं। हर व्यक्ति, आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति से पूछें, हर व्यक्ति आपको यही कहेगा कि मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूं और मेरे जीवन से परमेश्वर खुश है और मैं जो कर रहा हूं और मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो परमेश्वर के प्रसन्नता के कारण ही तो मेरे जीवन में ये सब आशीषें आ रही है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न है क्योंकि हमारे पास आशीषें हैं। हमारी आशीषें परमेश्वर की प्रसन्नता का प्रमाण नहीं है। इसलिए एक बड़ा सवाल हमारे सामने यह है कि हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करें। जब आप इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 10 आयत को पढ़ते हैं तो पौलुस इस प्रकार इफिसियों की कलीसिया को वो लिखता है, नए नियम की एक सबसे आत्मिक कलीसिया, नए नियम की एक ऐसी कलीसिया जिससे पौलुस आत्मिक आशीषों के बारे में कहता है, स्वर्गीय आशीषों के बारे में वो कहता है और उन मसीह में जो स्वर्गीय आशीषों के बारे में वर्णन करने के बाद वो 5वें अध्याय में कहता है कि अब तुम परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं। सो आपके और मेरे सामने एक बड़ा सवाल, क्या मैं जो कर रहा हूं उससे परमेश्वर खुश है? क्या जो आप और मैं कर रहे हैं उससे परमेश्वर खुश है? सो वचन में कुछ बातें परमेश्वर को प्रसन्नता के बारे में हम वचन में कुछ चीजों को देखते हैं। आज 2 महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, जब आप वचन को पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 6 पद में, वहां पर इब्रानियों की पत्री का लेखक विश्वास के योद्धाओं की उस सूची में वो पहले हाबिल से शुरू करता है, फिर हनोक के पास आता है और हनोक के बाद वो कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यहां पर परमेश्वर को प्रसन्न करने के बारे में वो कह रहा है और परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो वो कहता है कि विश्वास के बिना आप और मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है जब हम विश्वास के साथ प्रभु के पास जाते हैं। विश्वास क्या है? उसके 11वें अध्याय की 1 आयत में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय जब हम कहते हैं तो वो उसका आधार है और वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, यानी वो उसका सबूत है। तो विश्वास कैसे आता है? रोमियों की पत्री 10 अध्याय 17 आयत में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम वचन को सुनते हैं तो विश्वास हमारे अंदर पैदा होता है और उस विश्वास के साथ जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु उस विश्वास से प्रसन्न होता है। सो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। विश्वास के द्वारा आप और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसके आप 22 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर 1 यूहन्ना में यूहन्ना इस प्रकार लिखता है, वो कहता है कि हम उससे मांगते हैं और वो हमें देता है और हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम वही करते हैं जो उसे भाता है। वी डू व्हाट प्लीजेस गॉड, हम वही करते हैं जो परमेश्वर को भाता है, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। यीशु मसीह ने सुसमाचारों में कहा, अगर तुम मेरी मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब हम उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी विधियों को मानते हैं, उसके नियमों को मानते हैं तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। यहां पर यूहन्ना कहता है कि हम वही करते हैं जो परमेश्वर को भाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। प्रेरितों के काम 12 अध्याय में लिखा है, हेरोदेस वो यहूदियों को प्रसन्न करना चाहता था, उसने याकूब की हत्या करवा दी लेकिन परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था। सो कई बार हम मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहते हैं और कई बातों को करते हैं, लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। बाइबल बताती है
हनोक के बारे में इब्रानियों की पत्री 11:5 में इस प्रकार लिखा है कि उसने मरने से पहले परमेश्वर को प्रसन्न किया। आप और मैं भी विश्वास के द्वारा हम प्रभु को प्रसन्न करें। जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, हम विश्वास से चले। दूसरा, हम वही करें जो परमेश्वर को भाता है, यानी उसकी आज्ञाओं पर चलें, यानी उसकी विधियों को पूरा करें, यानी उसके नियमों को हम माने, यानी हम वो करें जो परमेश्वर को भाता है। अगर आप और मैं इस नए साल 2024 में आप और मैं प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें विश्वास में, विश्वास के साथ हम प्रभु के साथ चलें और उसकी विधियों को माने और वही करें जो प्रभु जिससे प्रसन्न होता है। प्रभु आपको आशीष देगा, आपके परिवार को प्रभु आशीष देगा, आपके बच्चों को प्रभु आशीष देगा। ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपको बहुत आय से आशीष दे। आमीन।